Headlines have been sponsored by SP Smart School, the leader in innovative schooling. जम्मू कश्मीर आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। रविवार को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। हालांकि राम माधव ने कहा कि नतीजों के बाद बीजेपी जरूरत पड़ने पर सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी से गठजोड़ कर सकती है, जबकि उन्होंने कहा 2014 में भी बीजेपी ने किसी से प्री अलायंस नहीं किया था। क्या आपकी पार्टी यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेगी चुनाव से पहले? पद का दावेदार भाई, हम तो इस राज्य में सर्वाधिक सीट लेकर और कुछ साथियों से मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का वादा देश की राज्य की जनता को कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को समर्थन देने की बात पर विश्व हिंदू परिषद की सफाई आई है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस को समर्थन का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। वीएचपी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर सभी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का कहर जारी है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। बीजेपी की मुगलसराय से विधायक साधना सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती पर विवादित टिप्पणी की थी। इसकी राजनीतिक हलकों में तीखी आलोचना हो रही है। साधना सिंह ने एक सभा में कहा, मायावती ना महिला है ना पुरुष, वे किन्नर से भी बदतर है। उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस में हुआ उनका चीरहरण भूलकर सपा से गठबंधन किया है। इसी पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बयान को भाजपा नेताओं का दिवालियापन बताया है। लेने वाली मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं। जो महिला नारी जात पे कलंक है, जिस महिला का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन महिला सुख सुविधा के लिए अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपना अपमान को पी लिया, उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है। इस नाते कि हम लोगों को और महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो भी जाते बदतर है, क्योंकि वो नर है न महिला है, उसको किसने गिनती करना है। पूर्व बीजेपी पीडीपी सरकार में मंत्री रहे पवन गुप्ता ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, पवन गुप्ता उधमपुर जिले से पूर्व विधायक भी रहे हैं। पवन गुप्ता के साथ कश्मीरी पंडित नेता अश्विनी चरंगू भी बीजेपी में शामिल हो गए। अभी मैं निवेदन करूंगा बलदेव शर्मा जी से, अभी मैं निवेदन करूंगा रमन सूरी जी से, रमन साथ में अमन शर्मा जी। अमन शर्मा विद्यार्थी परिषद के फुल टाइमर थे, सांबा और उधमपुर के फुल टाइमर, संगठन मंत्री रहे, वो भी विद्यार्थी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। जिन्होंने आज रमन जी के साथ भी कुछ और साथी आए हुए हैं, मुझसे मैं निवेदन करूंगा कि बीजेपी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में युवा विजय संकल्प महारैली की। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को लेकर बन रहे विपक्ष के महागठबंधन को बिन दूल्हे की बारात बताया है। उन्होंने कहा, ये कितने आगे जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। राम माधव ने फारूक अब्दुल्ला के ईवीएम चोर वाले बयान पर भी पलटवार किया है। राम माधव ने कहा, मैं फारूक अब्दुल्ला पर तो कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस से इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता इसलिए सहमत हुए कि ईवीएम चोर है ताकि इन राज्यों में उन्हें जीत हासिल हो सके। तो
No, I don't want to react to Farooq Abdullah Saab. I want to ask the Congress leadership in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan as to whether they agree that because EVMs were chore, they could win the state, win the elections in those states. Let the first answer, then let us see. अगले महीने यानी 3 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू आएंगे और रियासत में बनने वाले एम्स और आईआईएम के साथ कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने चुनावों से पहले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है, जबकि लद्दाख क्षेत्र को डिवीजन का दर्जा देने के लिए भी कहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर रियासत भर में तैयारियों और जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, मुख्य कार्यक्रमों के लिए जिला पुलिस लाइन में स्कूली बच्चे मार्च पास की तैयारियों में बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर में एक विभिन्न सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बच्चों के साथ साथ सुरक्षा बल भी कंधे से कंधा मिलाकर मार्च पास कर रहे हैं। इसके साथ ही तिरंगे झंडे को सलामी देने के लिए भी रिहर्सल की जा रही है। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे आस्था के कुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार को 1200 अरब रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, सीआईआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाला कुंभ मेला हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, मगर इसके आयोजन से जुड़े कार्यों में 6 लाख से ज्यादा कामगारों के लिए भी रोजगार उत्पन्न हो रहा है।